गेहूं की फसल काटते ये हैं आईएएस अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक, जो कि पूर्वी चंपारण के डीएम हैं। डीएम की इस तस्वीर को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि एक आईएएस अधिकारी इस भीषण गर्मी में गेहूं की फसल क्यों काट रहा है। दरअसल आईएएस कपिल अशोक अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जनता के साथ और जनता के लिए जीने वाले अधिकारियों में से एक हैं आईएएस कपिल अशोक। मोतिहारी के पूर्वी चंपारण में आज जिला अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पिपरा कोठी प्रखंड के पंडितपुर पंचायत के बेलवतिया ग्राम पहुंचकर किसानों के बीच जिला सांख्यिकी विभाग के तत्वावधान में गेहूं क्रॉप कटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। किसान भगवान सिंह के भूमि पर पहुंचकर जिला अधिकारी ने क्रॉप कटिंग की, साथ ही उन्होंने गेहूं की क्रॉप कटिंग का निरीक्षण भी किया। गेहूं फ्रॉक कटिंग 10x5 मीटर में 21 किलो 300 ग्राम गेहूं का वजन प्राप्त किया गया। आज जो है कृषि विभाग एवं सांख्यिकी विभाग जो है बिहार सरकार का, उनके द्वारा जो है क्रॉप कटिंग का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है। गेहूं की जो है फसल कटनी शुरू हुई पूर्वी चंपारण जिले में। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का महत्व यह है कि डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान, जिसमें हम केसीसी लोन देते हैं, उसके साथ साथ जो बीमा मिलता है फसल बीमा, उसके लिए ये जो प्रोडक्शन होता है गेहूं का, इसका एक एस्टिमेट बनता है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट हर जगह पे होते हैं। जिला पदाधिकारी को भी एक जगह पे करना होता है, तो पंडितपुर पंचायत में पिपरा कोठी प्रखंड में जो है यहाँ पे हम आए हुए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने खुद अपने हाथों से गेहूं की फसल को काटकर किसानों के मनोबल को बढ़ाया। आपको ये मालूम हो कि जिला सांख्यिकी कार्यालय की ओर से हर पंचायत में 5-5 कटनी प्रयोग संपादित की जाती है, जिसके आधार पर प्रखंड पंचायत और जिला स्तर की उपज की दर निर्धारित की जाती है। पूरे राज्य की इस वर्ष गेहूँ की उपज कितनी हुई ये अनुमान लगाया जाता है। जिलाधिकारी किसानों के बीच पहुंचकर किसानों की समस्याओं और खेतों में जल जमाव की स्थिति और नीलगाय की ओर से फसलों की क्षति से अवगत हुए। उन्होंने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि मनरेगा से जल जमाव की निकासी को दुरुस्त किया जाए, साथ ही किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे।